जिसकी जैसी मति होगी उसकी वैसी गति होगी। इसलिए हम कहा करते हैं, जिम्मेदारियां पूरी करिए पर आसक्त ना होइए। आप लोग, भरत जी ने मृग पाल लिया, आप लोग कुत्ता पाल लेते हैं, मेरा टॉमी, मेरा शेरू, मेरा कुत्ता, कुत्ते में आ सकते हैं। फिर ये कुत्तों की आसक्ति अच्छी नहीं है। अभी मैंने सुना न्यूज में कि एक कुत्ते ने अपनी मालकिन को मार डाला, न्यूज में अभी कुछ दिन पुरानी न्यूज, कुत्ते ने अपनी मालकिन को मार डाला। तो ऐसे गाय पालते, गाय की सेवा करते तो पुण्य भी मिलता। कुत्ते की सेवा, कुत्ते को हमारे यहाँ रोटी डालने का तो विधान है, हम ये नहीं कहते कुत्ते को रोटी ना डालो, डालो, पानी पिलाओ, पर घर में अपने बेडरूम में तो ना सुलाओ उसे। बेडरूम में कुत्ते सुला रहे हैं, काश गायों की जगह होती आपके घर में तो आज इतना गौहत्या ना होती, इतना गाय ना कटती, घर घर गाय होती, पर घर घर कुत्ता है, लगभग घर घर है सपने, घर घर कुत्ता पाल लिए और गाय बूचड़ खाने में कट रही है। गाय के असली हत्यारे वो लोग नहीं हैं जो गाय को काटते हैं, गाय के असली हत्यारे हम लोग हैं जो गाय को नहीं रखते, सेवा नहीं करते। गली गली घूमने के लिए मजबूर है गाय। अब आप तो रखते नहीं तो जाएगी कहाँ, प्लास्टिक पॉलिथीन तो खाएगी, मरेगी, ट्रक वाला मार देता है सड़कों में जब घूमती है, आए दिन आप लोग सड़कों में देखते रहते हैं। तो ये सब इसलिए कि आज गाय से किसी को प्रेम नहीं है, दूध पिया और बस छोड़ दी, भूल गया आज का इंसान। आज के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं साहब, लेकिन पुराने लोग कम पढ़े लिखे थे, लेकिन पहले का बेटा तब तक नहीं भोजन करता था जब तक उसका पिता ना भोजन कर ले। पहले के लोग अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन जब तक बाप ना खाए तब तक बेटा नहीं खाता था। पहले की अनपढ़ पत्नियां, पति ना खाए तब तक पति ना, पत्नी ना खाए तब तक पति के खाए बिना पत्नी ना खाए, क्या बताएं। पहले के घर कच्चे होते थे, बारिश के समय मुझे याद है, बारिश के समय मुझे याद है कि हमारे घर में खप्पर होते थे ना, खपरेल घर, तो बारिश में पानी बाहर जाता ही नहीं था, पूरे समय बर्तन लगाते रहो, यहाँ टपक रहा पानी तो यहाँ बाल्टी रख दी, वहाँ टपक रहा है वहाँ, घर के सारे बर्तन बरसात में वहाँ बिजी हो जाते थे कि यहाँ टपक रहा है, यहाँ टपक रहा, सोने की जगह नहीं बचती थी बारिश में। घर कच्चे होते थे पहले, लेकिन रिश्ते बहुत पक्के होते थे। आज घर पक्के हैं, रिश्तों का कोई महत्व ही नहीं। क्यों? पक्के घर में बेटा रहता है। माँ से आखिरी बार कब बात की आपने? कई महीने हो गए। पत्नी से रोज करते हैं। पत्नी ने क्या खाया? कल रबड़ी लाई थी उसके लिए। माँ ने क्या खाया? पता नहीं। माँ क्या खा रही है, कब सो रही है, कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, कोई परवाह नहीं। पत्नी कैसे है? परवाह। हम ये नहीं कहते पत्नी की परवाह ना करो, करना चाहिए। एक पुरुष का धर्म होता है कि वो अपनी माँ की सेवा भी करे और पति होने का फर्ज भी पूरा करे और पिता होने का कर्तव्य भी निभाए। स्त्री का एक ही धर्म होता है, पति की सेवा करना, लेकिन पुरुष के बहुत धर्म होते हैं। पुरुष का धर्म है माँ बाप की सेवा, पत्नी का ध्यान, बच्चों को संस्कार, सबको मेंटेन करना पुरुष का काम है। लेकिन आज, आज का पुरुष पक्के घर में रहता है, रिश्ते, माँ मर जाए तो देखने नहीं आता, माँ मर जाए तो देखने नहीं आता। अभी हमारे यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में एक माँ चली गई भगवान के घर, बूढ़ी थी, वृद्ध थी, बेटा देखने नहीं आया।
फोन लगाया था हम लोगों ने कि आओ आपकी माँ भगवान के घर चली गई, पधार गई हैं, आ जाओ मिल लो, आखिरी दर्शन कर लो। मना कर दिया, नहीं आ सकते बीजी, माँ मर गई तो बेटा नहीं आया। घर पक्के, नौकरी पक्की है, कच्चे हैं तो केवल रिश्ते, पर पहले के घर कच्चे थे, सब कच्चा, रिश्ते बड़े पक्के थे। विडंबना है, हम अपने संस्कार भूल गए, अपनी संस्कृति भूल गए, अपना धर्म भूल गए, आज आधुनिक दुनिया को देख के, चमक देख के दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं संसार के पीछे, कहां जाएंगे भागकर वो भी पता नहीं है। बस सब भाग रहे हैं, हम भी भागे, क्यों भाग रहे हैं पता नहीं, चलो चलो आगे सब चल चलो, जिस तरफ सब जा रहे हैं, एक भेड़ कुएं में गिरता है सारे भेड़ गिर जाते हैं, आदत है एक साथ चलने की। कहने का तात्पर्य यह है, आप अपना ध्यान रखो, कहीं आप संस्कारहीन तो नहीं हो गए। मरते समय भरत जी ने मृग का चिंतन किया, उनको मृग बनना पड़ा। आप भी मरते समय अपने मन को ठीक ठाक रखना, यहां वहां मन ना चला जाए, भगवान का चिंतन करना। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते बिड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम सुद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कहा है श्री सुखदेव भगवान ने कि ये मानव का तन बार बार नहीं मिलेगा। अच्छा काम कर लो, हाथ दिए हैं सेवा कर लो, आंख दिए हैं दर्शन कर लो। क्या हुआ, एक दिन भरत जी को मृग बना दिया, भरत जी ने मृग का शरीर छोड़ा, तीसरे जन्म में मनुष्य बने, और मनुष्य बनकर उन्होंने अब चुप रहे, ज्यादा बोलना भी उलझन है, चुप रहे। भाई भौजाइयों ने भरत जी को घर से निकाल दिया, ये भरत जी कौन है, हमारे देश का नाम भारत कब से पड़ा है, तीन भरत से देश का नाम पड़ा भारत, शकुंतला नंदन भरत, मैया ओ पंचायती मैया कर लो थोड़ी सी पंचायत। सुनो, हमारे देश का नाम भारत कब पड़ा, पहले भरत शकुंतला नंदन भरत, दूसरे भरत दशरथ जी के पुत्र भरत, राम जी के भाई, तीसरे भरत ये जड़ भरत, इन तीनों के नाम से देश का नाम पड़ा भारत। पहले हमारे देश का नाम था आर्यवर्त, अजनाभ खंड, जम्बुद्वीप, फिर नाम पड़ा हिंदुस्तान, फिर नाम पड़ा, अंग्रेजों ने नाम दिया इंडिया। तो हमारे देश के इतने सारे नाम, तो हमारा भारत जो है सर्वश्रेष्ठ है। हमारे देश में कोई कहे जी अमेरिका जापान तो बड़े सफल देश हैं, अन्य देश, मैं बहुत सारे देशों की बात करूं, भारत छोड़कर दुनिया में जितने देश हैं, आप कहते हैं वो लोग तो पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, एकादशी नहीं करते, फिर भी वो सक्सेस हैं, सुखी हैं, और हम भारत के लोग जितनी पूजा पाठ करते हैं, जितने धार्मिक हैं, उतने परेशान हैं। लगता है हम लोगों का धार्मिक होना ही गलत है, ऐसा लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है। अच्छा ये बताओ, अमीरी दो प्रकार की होती है, मैं दोनों प्रकार की बोल रहा हूं, आप फिर निर्णय करिएगा, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एक अमीरी है
एक है आपके गांव में वैश्या, एक है आपके गांव में वैश्या, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं, एक है वैश्या जो कि अपना शरीर बेचकर पैसा कमाती है, बहुत पैसे वाली है, पूरे गांव में सबसे पैसे वाली वही है, बहुत पैसा है, तो पैसा उसके पास भी है। अब एक आपके गांव में ऐसी महिला है जो अपने पति को भगवान मानकर पूजती है, है तो गरीब है तो सामान्य, मजदूर करता है, मजदूरी करता है उसका पति, पर वो बड़ी पतिव्रता नारी है, बड़ी चरित्रवान नारी है, बड़ा चरित्रवान पुरुष है, चरित्र है उसके पास, बाकी मजदूरी करके खाता है या खाती है, दोनों प्रेम से रहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि वो वैश्या जो अपना चरित्र बिगाड़ कर धनवान हो गई, वो धनी अच्छी है या मजदूरी करने वाला चरित्रवान है पर गरीब है? तो आपके हिसाब से अमीर कौन हुआ, कौन अमीर हुआ, जिसके पास पैसा है वो अमीर है या जिसके पास चरित्र है वो अमीर है? जोर से जोर से, पैसे वाला या चरित्र वाला? तो सारी दुनिया, भारत को छोड़कर जितने देश हैं दुनिया में, वो शायद धन से आगे हों, पर चरित्र की बराबरी भारत की कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप ये ना कहा करो कि भारत पीछे है, अरे दुनिया को संस्कार देने की जब बात आएगी तो हम ही देंगे, भारत ही देगा। दुनिया के पास पैसा होगा, हमारे पास संस्कार है, चरित्र है, कैरेक्टर है। हमारे भारत में विधवा स्त्रियां होती हैं, हाँ या ना? दुनिया के किसी देश चले जाइए, वहां कोई विधवा नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक मरा तो दूसरा जिंदाबाद है, दूसरा मर जाए तो तीसरा, तीसरा मर जाए तो चौथा, वहां के पति लोग मरते ही नहीं, वहां तो सब अमर हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। वहां के लोग, वहां कोई विधवा नहीं होती, तुम जाओ महीने भर के अंदर दूसरा। हमारे देश में ऐसा नहीं, अब कुछ लोग करने लगे मनमानी, विदेशों की नकल कर करके, तो क्या करें, बट हमारे संस्कार ये नहीं। हमारे देश में तो पति चला जाए तो उसकी विधवा रहकर सारी जिंदगी गुजारेगी, पर स्वप्न में पर पुरुष की तरफ नगाहें आंखें उठाकर नहीं देखेगी। ये चरित्र हमारे देश में आज भी है, हाँ या ना? अब आप कहते हैं भारत में कुछ नहीं है, तुमसे देखना नहीं आया, तुम धृतराष्ट्र हो तो हम क्या करें, तुम तो पैसा ही मानते हो ना, सब कुछ पैसे को ही माई बाप मान लिया है, हम क्या करें, तुम्हारी सोच ही गलत है तो हम क्या करें, तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ। भारत की तुलना किसी देश से नहीं हो सकती, करना भी मत, तुलना बराबरी के लोगों से होती है। हीरे की तुलना हीरे से हो सकती है, कांच से नहीं। भारत तो हीरा है, बाकी तो चमकीले कांच के टुकड़े हैं, चमक ज्यादा रहे हैं पर है कांच, हाँ या ना?